Hey everyone, welcome back to my channel Nursing Zone ST. So today we are going to discuss about abortion. So let's start the video. So the first thing that comes in our mind, that what is the meaning of abortion? So in the simple language, agar simple language ki baat kare, to abortion is the ending of pregnancy. Abortion is ending of pregnancy. Agar pregnancy ka end ho jata hai, usi ko hum bolte hain abortion. Theek hai? ओके सिंपल लैंग्वेज में इसे बोल रहे हैं एंडिंग ऑफ प्रेगनेंसी. थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देती हूँ. कोई भी वेजाइनल ब्लीडिंग होती है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, ड्यूरिंग द गेस्टेशन वीक्स जब चल रहे होते हैं, ड्यूरिंग द गेस्टेशन पीरियड कोई भी अगर वेजाइनल ब्लीडिंग होती है तो उसे हम नॉर्मल नहीं कहते हैं, उसे हमेशा अबनॉर्मल माना जाता है. अबनॉर्मल क्यों माना जाता है? कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जब भी कोई भी प्रेगनेंट वुमेन है, प्रेगनेंट हो गई है, मीन्स जब उसने कंसीव कर लिया है, उसके बाद क्या होता है, देखिए मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप हो जाती है. ठीक है, जो भी यूट्रस की लाइनिंग होती है वो शट डाउन होती है ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन, तो वो स्टॉप हो जाती है. अब देखो, मान लीजिए ये यूट्रस है, ओके ये वेजाइनल वॉल है, ओके तो देखिए ओपनिंग इन टू द वेजाइना, इसे हम बोलते हैं एक्सटर्नल ओस, और ओपनिंग इन टू द सर्विक्स इसे हम बोलते हैं इंटरनल ओस. अब जब प्रेगनेंसी नहीं होती है उस टाइम पे क्या होता है, जब मेंस्ट्रुअल साइकिल नॉर्मल चल रही होती है उस टाइम पे इंटरनल ओस जो है वो ओपन रहती है. ओके क्योंकि यूट्रस की जो लेयर होती है उसे शट डाउन होना होता है, दैट्स वाई इंटरनल ओस ओपन रहती है. और जब वुमेन कंसीव कर लेती है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी क्या होता है, दिस इंटरनल ओस ये जो है ये क्लोज हो जाता है. ठीक है, क्योंकि ये जो लाइनिंग है वो शट डाउन नहीं होनी होती है, दैट्स वाई ये क्लोज हो जाता है. ओके अब ये क्लोज है, दैट्स वाई ब्लीडिंग को अबनॉर्मल माना गया है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी. पर अगर वजाइन ब्लड लॉस अर्ली प्रेगनेंसी में हो रहा है तो उसे हम थ्रेटेंड मिसकैरेज मानते हैं. थ्रेटेंड मिसकैरेज. अब देखिए थ्रेटेंड का मतलब क्या होता है, थ्रेटेंड का क्या मीनिंग है? थ्रेटेंड का मतलब होता है कोई भी इंडिकेशन या फिर वार्निंग. अब थ्रेटेंड के आगे एक वर्ड है मिसकैरेज, मींस मिसकैरेज की एक इंडिकेशन है. जो भी वेजाइनल ब्लड लॉस हो रहा है अर्ली प्रेगनेंसी में वो मिसकैरेज की इंडिकेशन है, दैट्स वाई हमने लिखा है थ्रेटेंड मिसकैरेज. ओके कोई भी ब्लीडिंग होती है इसका मतलब ये नहीं है कि अबॉर्शन हो गया है, उसका मतलब ये नहीं है कि मिसकैरेज हो गया है. अब देखिए मिसकैरेज और अबॉर्शन दोनों ही सिनोनिम्स हैं. कैसे हैं? अबॉर्शन तो बहुत से टाइप्स के होते हैं, तो उन्हीं में से अबॉर्शन की एक टाइप है स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन. तो स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन एंड मिसकैरेज आर सिनोनिम्स, दोनों का ही सेम मीनिंग है, दोनों ही सिनोनिम्स है. आप दोनों में से कोई भी वर्ड यूज कर सकते हैं, मिसकैरेज या फिर स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन. तो स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन में देखो क्या होता है, वॉलंटरली अबॉर्शन हो जाता है, मींस सडन अबॉर्शन हो जाता है, वॉलंटरली अपने आप से ही अबॉर्शन हो जाता है, कॉजेज जो है वो अननोन देखे गए हैं, क्रोमोसोमल अबनॉर्मलिटी की वजह से ऐसा हो सकता है. ओके अब हम देख लेते हैं अबॉर्शन की डेफिनेशन. सो डेफिनेशन देख लेते हैं. अबॉर्शन इज द प्रोसेस ऑफ पार्शियल और कंप्लीट सेपरेशन ऑफ द प्रोडक्ट्स ऑफ कंसेप्शन फ्रॉम द यूट्राइन वॉल बिफोर द एज ऑफ वायबिलिटी. अब सबसे पहले देख लेते हैं पार्शियल का मतलब क्या होता है. पार्शियल मींस इनकम्प्लीट. ओके अबॉर्शन क्या होता है, पार्शियल और कंप्लीट. पार्शियल भी हो सकता है, कंप्लीट भी हो सकता है. प्रोडक्ट्स ऑफ कंसेप्शन जो होता है, यहां पर एम्ब्रियो की बात हो रही है. प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन है यहां पर एम्ब्रियो फ्रॉम द यूट्राइन वॉल. यूट्राइन वॉल से एम्ब्रियो का सेपरेशन हो जाता है, वो पार्शियल भी हो सकता है मींस इनकम्प्लीट भी हो सकता है, कंप्लीट भी हो सकता है. और यहां से ही अबॉर्शन के टाइप्स भी निकल के आ रही हैं, इनकम्प्लीट अबॉर्शन और कंप्लीट अबॉर्शन. ठीक है, यूट्राइन वॉल से जो प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन है मींस जो एम्ब्रियो है उसका सेपरेशन हो जाता है, पार्शियल भी हो सकता है कंप्लीट भी हो सकता है. बिफोर द एज ऑफ वायबिलिटी उसे हम बोल रहे हैं अबॉर्शन. अब वायबिलिटी क्या होता है, वायबल का मतलब होता है एबल
टू सर्वाइव, ये होता है वाइबल का मीनिंग, एबल टू सर्वाइव। और इंडिया में जो एज ऑफ वाइबिलिटी है वो है 28 वीक्स ऑफ गेस्टेशन। अगर 28 वीक्स से पहले, बिफोर द 28 वीक्स ऑफ गेस्टेशन पीरियड, अगर डिलीवरी हो जाती है, उस केस में क्या होता है, जो बेबी होता है, जो फीटस होता है, वो सर्वाइव नहीं कर पाता है। अब देखिए, बहुत से स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन होती है, अगर उन्होंने जीएनएम भी कर ली है, बीएससी नर्सिंग के स्टूडेंट्स है, तब भी उनमें कंफ्यूजन देखी गई है मेरे अकॉर्डिंग, कि जायगोट क्या होता है, एम्ब्रियो क्या होता है ना, फीटस क्या होता है, उन्हें नहीं पता होता है। सबसे पहले थोड़ा सा मैं आपको इंट्रोडक्शन दे देती हूँ, और आई होप आपको डेफिनेशन क्लियर हो गई होगी। और अभी जो इंट्रोडक्शन है वो उन स्टूडेंट्स के लिए है जिन्हें जायगोट, एम्ब्रियो और फीटस का मतलब नहीं पता है। और ये क्यों नहीं पता है, वो स्टूडेंट्स ही जानते हैं जिनके मार्क्स बहुत ही अच्छे खासे आ जाते हैं बिना पढ़ाई किए, तो कैसे आ जाते हैं बिना स्टडी किए, वो रिलेट कर पाएंगे मेरी बात से। सो देखिए, जायगोट क्या होता है, सबसे पहले मैं बता दूं, मेंस्ट्रुअल साइकिल आप सब लोगों ने स्टडी की होगी, अब मैं इतना डीपली नहीं जा सकती हूँ इस टॉपिक में। सो मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान क्या होता है, जब थर्ड वीक होता है आफ्टर योर एलएमपी, लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड, आपके लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड के बाद क्या होता है, उसके बाद अगर हम कैलकुलेट करें, सो थर्ड वीक में ओव्यूलेशन होता है। और ओव्यूलेशन के दौरान क्या होता है, एक एग रिलीज होता है, ठीक है, मान लीजिए एग है। अब अगर ये एग फर्टिलाइज हो जाएगा स्पर्म सेल से अगर ये एग फर्टिलाइज हो जाता है, उसको हम बोलते हैं जायगोट। अब ये बन गया है फर्टिलाइजेशन के बाद, जायगोट बोला जाता है इसे। अब फर्दर क्या होता है, जो जायगोट होता है वो डिवाइड्स हो जाता है इनटू सेल्स में, बहुत सारे सेल्स में डिवाइड होता है जायगोट। ओके, तो ये सेल्स में डिवाइड जब हो जाता है जायगोट, इस तरीके से ड्रॉ कर रही हूं मैं, इसे हम बोलते हैं ब्लास्टोसिस्ट। इस तरीके से इसका स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, तो इसको हम बोलेंगे ब्लास्टोसिस्ट। और ब्लास्टोसिस्ट जब बन जाता है, ये क्या करता है ब्लास्टोसिस्ट, ये यूट्राइन के वॉल में जाकर वहां पर अटैच हो जाता है, यूट्राइन की वॉल में, यूट्राइन की लाइनिंग में अटैच हो जाता है, तो उसे हम बोलते हैं एम्ब्रियो। और ब्लास्टोसिस्ट फर्दर कन्वर्ट हो जाता है, डिवाइड हो जाता है प्लेसेंटा और एम्ब्रियो में, तो वहां पर प्रेजेंट होता है यूट्राइन वॉल में एम्ब्रियो और प्लेसेंटा। और अर्ली पीरियड ऑफ प्रेगनेंसी में, अर्ली स्टेज में हम बोलते हैं इसे एम्ब्रियो, आफ्टर दैट हम इसे नाम देते हैं फीटस। जब तक की डिलीवरी नहीं हो जाती है तब तक, मीन्स गेस्टेशनल पीरियड जब तक कंप्लीट नहीं होता है आफ्टर द अर्ली स्टेज ऑफ प्रेगनेंसी, तब हम इसे नाम देते हैं फीटस। ओके, सो आई होप क्लियर हो गया होगा सबको। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, और अब हम स्टडी करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एबॉर्शन। अब हम देख रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एबॉर्शन, एबॉर्शन इज ऑफ टू टाइप्स, स्पॉन्टेनियस एंड इंड्यूस्ड। देखिए, स्पॉन्टेनियस का मतलब होता है वॉलंटरी, जब एबॉर्शन हो जाता है, ठीक है, उसे हम बोल रहे हैं स्पॉन्टेनियस, खुद से अपने आप से एबॉर्शन हो गया है, मीन्स उसे इंड्यूस नहीं कराया गया है। और इंड्यूस्ड, जैसे कि इसका नेम साउंड कर रहा है, अबॉर्शन को जब हम इंड्यूस कराते हैं, मीन्स इंटेंशनली जब हम अबॉर्शन को कराते हैं, उसे हम बोलते हैं इंड्यूस्ड अबॉर्शन। ओके, सो स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन फर्दर डिवाइड है थ्रेटेंड अबॉर्शन, जैसे मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, मीन्स थ्रेटेंड मिसकैरेज, एक वर्ड हमने स्टडी किया था, इसी तरीके से होता है थ्रेटेंड अबॉर्शन, कि अबॉर्शन जो है उसकी इंडिकेशन है, वेजाइनल ब्लड लूज होता है इस टाइप के अबॉर्शन में, तो एक इंडिकेशन होती है कि अबॉर्शन जो है वो हो सकता है, अबॉर्शन होने की पॉसिबिलिटी है, चांसेस है, इसलिए हम इसे बोलते हैं थ्रेटेंड अबॉर्शन। नेक्स्ट वन इज इनएविटेबल अबॉर्शन। अब इसका मतलब क्या होता है, मीन्स अनेबल टू बी अवॉइडेड, जिसे हम अवॉइड नहीं कर सकते हैं, इसमें भी वेजाइनल ब्लड लूज होता है। ओके, इसे हम बोलते हैं इनएविटेबल अबॉर्शन। नेक्स्ट है कंप्लीट अबॉर्शन, जिसे कंप्लीट क्यों कहा गया है, ये भी डेफिनेशन में दो वर्ड्स आए थे, मैंने आपको बताया था, कंप्लीट एंड इनकम्प्लीट। तो कंप्लीट अबॉर्शन में क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन जो होता है
कंप्लीटली एक्सपेल आउट हो जाता है यूट्राइन कैविटी से. और इनकम्प्लीट में क्या होता है, कुछ जो यू नो कुछ टिश्यूज जो है वो इंटैक्ट रह जाते हैं यूट्राइन कैविटी से, यूट्रस से. ओके, तो उसे हम बोलते हैं इनकम्प्लीट एबोर्शन. अब है मिस्ड एबोर्शन. अब मिस्ड एबोर्शन क्या होता है, देखिए जैसे इसका नेम साउंड कर रहा है मिस्ड, एबोर्शन जो है वो मिस्ड हो गया है, मिस हो गया है. कैसे हो गया है, देखिए एबोर्शन तो हो जाएगा. एबोर्शन का मतलब क्या होता है, एंडिंग ऑफ प्रेगनेंसी. प्रेगनेंसी का एंड हो गया है बट वेजाइनल ब्लीडिंग नहीं हुई है. पेशेंट की मीन्स प्रेग्नेंट वुमेन की जो बॉडी है वो कोई भी साइन शो नहीं करेगी, कोई भी सिम्टम शो नहीं करेगी मिस्ड एबोर्शन के केस में. जो प्रेग्नेंट वुमेन है उसे कुछ भी पता नहीं चलेगा कि उसका एबोर्शन हो गया है. ओके, मिस्ड एबोर्शन में होता क्या है, जो एम्ब्रियो होता है वो डाई हो जाता है इनसाइड द सैक, इनसाइड द यूट्राइन कैविटी. सैक जो है वो रिटेन है, प्लेसेंटा जो है वो भी हेल्दी है, कि हेल्दी प्लेसेंटा है, कोई भी एबनॉर्मलिटी नहीं है. बट एम्ब्रियो जो है वो डाई हो गया है इस केस में, इसे हम बोलते हैं मिस्ड एबोर्शन. एम्ब्रियो डाई हो गया है, दैट्स वाई प्लेसेंटा जो है वो हेल्दी है और सैक रिटेन्ड है, सैक बिल्कुल रिटेन्ड है, और दैट्स वाई हम इसे बोलते हैं मिस्ड एबोर्शन. दैट्स वाई इसमें ब्लीडिंग नहीं हो पाती है. सेप्टिक एबोर्शन में क्या होता है, यूट्राइन कैविटी जो होती है उसमें इन्फेक्शन हो जाता है, दैट्स वाई इसे बोलते हैं सेप्टिक एबोर्शन. अब इंड्यूस्ड एबोर्शन देखिए, इंड्यूस्ड एबोर्शन में आते हैं लीगल एंड इलीगल एबोर्शंस. लीगल एबोर्शन में आता है एमटीपी. ऐसे बहुत से प्रोविजंस होते हैं जिनमें हमने एमटीपी इंड्यूस करवाना होता है, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, मेडिकली प्रेगनेंसी को टर्मिनेट किया जाता है. क्यों किया जाता है, ऐसे बहुत से प्रोविजंस हैं अंडर द एमटीपी एक्ट. एमटीपी एक्ट के अंदर ऐसे बहुत से प्रोविजंस हैं, जैसे कि अगर प्रेगनेंसी इज द रिजल्ट ऑफ रेप है उस केस में भी हम एमटीपी करा सकते हैं. अगर मदर को, मदर की हेल्थ को, मदर की बॉडी को कोई भी रिस्क है इस प्रेगनेंसी से, तब भी हम एमटीपी करा सकते हैं. और या फिर एक प्रोविज़न और बनाया गया है, जैसे कि अगर जो फीटस है उसे फिजिकली एंड मेंटल अबनॉर्मलिटीज़ हैं और अगर वो डिलीवर होता है तो इन फ्यूचर वो हैंडीकैप हो जाएगा, उस केस में भी हम एमटीपी करा सकते हैं. और इलीगल अबॉर्शन तो आप लोगों को पता है इंडिया में क्राइम है. ओके, तो क्रिमिनल टाइप में आता है. ठीक है, तो इन्हें हम ब्रीफली स्टडी करेंगे. सो आज जो हम स्टडी करने वाले हैं वो है स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन, सॉरी, और पार्ट टू में हम स्टडी करेंगे इंड्यूस्ड अबॉर्शन. तो आज का टॉपिक है स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन और ये जितने भी टाइप्स हैं इन्हें हम ब्रीफली स्टडी करते हैं. ओके, सो डेफिनेशन देख लेते हैं. स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन इज डिफाइंड एज इनवॉलंटरी लॉस ऑफ प्रोडक्ट्स ऑफ कंसेप्शन prior to 20 weeks of gestation when the fetus weighs approximately 1000 or less. So, इसमें देखिए क्या होता है, spontaneous abortion में involuntary loss हो जाता है product of conception का. Product of conception यहाँ बात हो रही है embryo या फिर fetus बोल सकते हो, fetus की बात हो रही है. Fetus का क्या हो रहा है यहाँ पे, involuntary loss हो रहा है. Involuntary means खुद से loss हो रहा है, अपने आप से loss हो रहा है. ओके, दैट्स व्हाई इसे बोल रहे हैं स्पॉन्टेनियस. स्पॉन्टेनियस एंड इनवॉलंटरी आर सिनोनिम्स, दोनों का ही सेम मीनिंग है. ओके, यहाँ पर आप स्पॉन्टेनियस लॉस भी लिख सकते हैं. स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन इज डिफाइंड एज अ स्पॉन्टेनियस लॉस. ओके, अब फीटस का लॉस हो रहा है 28 वीक से पहले, प्रायर मतलब बिफोर, प्रायर का मीनिंग है बिफोर. 28 वीक से पहले ही प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन का लॉस हो रहा है. ओके, व्हेन द फीटस वेज अप्रोक्सीमेटली 1000 ग्राम्स, जब फीटस का जो वेट है वो 1000 ग्राम्स हो सकता है या फिर उससे कम भी हो सकता है, उस टाइम पे जो है फीटस का लॉस हो रहा है प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन का, उसे हम बोलते हैं स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन. अब देखते हैं इसकी इटियोलॉजी. अब हम देख रहे हैं कॉजेज ऑफ स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन. सो 50% मिसकैरेजेस आर ड्यू टू क्रोमोसोमल अबनॉर्मलिटीज ऑफ कंसेप्टर्स. मैं आपको पहले भी बताया था क्रोमोसोमल अबनॉर्मलिटी की वजह से भी स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन हो सकता है. सो मिसकैरेज एंड स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन आर सिनोनिम्स, दैट्स व्हाई हम मिसकैरेज का यूज किया गया है. आप 50% स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन भी यहाँ लिख सकते हैं. ओके, सेकेंड है स्ट्रक्चरल अबनॉर्मलिटीज ऑफ जेनाइटल ट्रैक्ट या फिर जेनाइटल ऑर्गन्स. अब अगर जेनाइटल ऑर्गन है सच एज यूट्रस, अगर उसकी भी स्ट्रक्चरल अबनॉर्मलिटी है उस केस में भी स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन हो सकता है. अब यूट्रस की स्ट्रक्चरल अबनॉर्मलिटी होती है जैसे रेट्रोवर्जन ऑफ यूट्रस.
रेट्रोवर्जन। और इस केस में क्या होता है, रेट्रोवर्टेड यूट्रस में यूट्रस टिप्स टुवर्ड्स द रेक्टम, तो इस केस में भी क्या हो सकता है, स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन के चांसेस बने रहते हैं। और एक और अबनॉर्मलिटी होती है यूट्रस की, जो कि है बाइकोनुएट यूट्रस। अब बाइकोनुएट यूट्रस में क्या होता है, यूट्रस जो है वो हर्ट शेप का नजर आता है। यूजुअली क्या होता है, जनरली जो यूट्रस है उसकी एक ही कैविटी होती है, बट बाइकोनुएट यूट्रस के केस में जब वो हर्ट शेप का है उसकी दो टू कॉन्जॉइंट कैविटीज होती हैं। इस केस में भी स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन के चांसेस बने रहते हैं। नेक्स्ट है इन्फेक्शन सच एज रूबेला एंड क्लामिडिया, इन केस में भी स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन हो सकता है इन्फेक्शन के केस में। नेक्स्ट है मेडिकल कंडीशंस। अब ऐसी जो मेटर्नल मेडिकल कंडीशंस हैं, मदर की ऐसी मेडिकल कंडीशंस है जैसे कि डायबिटीज मलाइटस है या फिर रीनल डिस्फंक्शन है, थायराइड डिस्फंक्शन है, इन केस में भी स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन के चांसेस जो है वो बने रहते हैं। ओके नेक्स्ट स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन की टाइप देखते हैं, जो कि है थ्रेटन अबॉर्शन। सो अब देखिए थ्रेटन अबॉर्शन, सो थ्रेटन अबॉर्शन इज कैरेक्टराइज बाय वजाइनल ब्लीडिंग विद और विदाउट रिकॉग्नाइजेबल यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस। तो थ्रेटन अबॉर्शन में क्या होता है, वेजाइनल ब्लीडिंग पेशेंट को हो जाएगी, प्रेग्नेंट वुमेन को हो जाएगी, जैसे मैंने बताया। अब इस केस में देखो क्या है, इस केस में क्या होगा कि कुछ प्रेग्नेंट वुमेन को कॉन्ट्रैक्शंस जो है वो फील होती है, कुछ को नहीं होती है। और नेक्स्ट है द ब्लड लॉस में भी स्कैंटी, ब्लड लॉस जो है वो लेस होगा। क्रैम्पी लाइक पेन मीन्स अबडोमिनल क्रैम्प्स। ब्लड लॉस जो है वो बैकिक और अब्डोमिनल क्रैम्प्स के साथ भी हो सकता है, और ऐसा भी हो सकता है कि जो ब्लड लॉस है वो स्कैंटी रहे, बैकिक और अब्डोमिनल क्रैम्प्स जो है वो एब्सेंट रहे। ओके पहले तो देखिए मैंने आपको बताया था थ्रेटन का मतलब क्या होता है, एक इंडिकेशन, एक इंटेंशन, एक वार्निंग या फिर एक पॉसिबिलिटी आप बोल सकते हो कि अबॉर्शन हो सकता है, ये पॉसिबल है। तो इस केस में दो आउटकम निकल के आते हैं। तो फर्स्ट है इट कुड बी ईदर स्टॉपेज ऑफ ब्लीडिंग और कॉन्टिन्यूशन ऑफ प्रेगनेंसी टू टर्म। ऐसा भी हो सकता है कि जो भी ब्लीडिंग हुई है, जो भी थ्रेटन अबॉर्शन हुआ है, वेजाइनल ब्लड लॉस हुआ है, चाहे वो स्कैंटी है या फिर वो ज्यादा अमाउंट में हुआ है, हो सकता है कि वो स्टॉप हो जाए एंड कॉन्टिन्यू रहे प्रेगनेंसी टू टर्म तक। टर्म मीन्स, टर्म क्या होता है, जब गेस्टेशनल पीरियड कंप्लीट हो जाता है, एट टर्म पे ही डिलीवरी होती है। नेक्स्ट है ऐसा भी हो सकता है, सेकंड पॉसिबिलिटी, सेकंड आउटकम देखिए, कॉन्टिन्यूस ऑफ ब्लीडिंग एंड यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस। ऐसा भी हो सकता है कि वेजाइनल ब्लीडिंग जो है वो कॉन्टिन्यू रहे, कॉन्ट्रैक्शंस, एब्डोमिनल क्रैम्प्स, बैकेट जो है वो कॉन्टिन्यू रहे टू एक्सपेल द प्रोडक्ट्स ऑफ कंसेप्शन, प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन को एक्सपेल आउट करने के लिए, जो भी एम्ब्रियो या फिर फीटस है उसे एक्सपेल आउट करने के लिए। ओके सो अब हम देखते हैं डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन। सो देखिए जो भी कॉज है थ्रेटन अबॉर्शन का, अगर हम सिस्टमिक और जनरल एग्जामिनेशन करते हैं तो हम रिवील कर पाएंगे इजिली। सो डायग्नोज में देखिए हम कौन कौन से इन्वेस्टिगेशन करवाएंगे, तो फर्स्ट है हीमोग्लोबिन, एचबी लेवल टेस्ट कराना है, एबीओ ग्रुपिंग इन आरएच करवाएंगे, वीडीआरएल, वीडीआरएल की फुल फॉर्म बहुत से स्टूडेंट्स जानते ही हैं, वेंट्रल डिजीज रिसर्च लेबोरेटरी। VTRA एक ब्लड टेस्ट होता है सिफिलिस के लिए, ठीक है। नेक्स्ट है यूरिन रूटीन एंड ब्लड ग्लूकोज, यूरिनालिसिस हम कराएंगे, जो यूरिन एग्जामिनेशन होता है वो हमें करवाना है। TFT थायराइड फंक्शन टेस्ट कराना है, अगर हमें रिवील हुआ है एग्जामिनेशन के थ्रू कि ये जो थ्रेटन अबॉर्शन है ये थायराइड डिसफंक्शन की वजह से हुआ है, तो उस केस में भी हमें TFT जो है डायग्नोस के लिए टेस्ट करवाना होगा, थायराइड फंक्शन टेस्ट, थायराइड डिसफंक्शन को रिवील आउट करने के लिए। ओके सो अगर अबॉर्शन का टॉपिक आ जाता है एग्जाम में, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और एक वीडियो मैंने बनाई थी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ गायनेकोलॉजिकल नर्सिंग पे, तो उसमें भी मैंने अबॉर्शन टॉपिक को ऐड किया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 15 मार्क्स में क्वेश्चन राइज हो सकता है अबॉर्शन का आपके एग्जाम में। तो अगर एग्जाम में आ जाता है ये क्वेश्चन, तो जिस तरीके से मैं आपको बता रही हूँ, अगर आप थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे तो 15 मार्क्स का क्वेश्चन बन जाएगा आपका इजीली। सबसे पहले अबॉर्शन की डेफिनेशन लिख देंगे, देन उसकी क्लासिफिकेशन लिख देंगे, उसके बाद टाइप्स जो है वो ज़्यादा डीपली आपको एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है,
ठीक है, टाइप्स में आप थ्रेटेड इमोशन है उसको, उसकी कुछ इंट्रोडक्शन लिख सकते हैं, कॉजेज लिख सकते हैं, डायग्नोज लिख सकते हैं. सो दैट्स इनफ. ओके, नेक्स्ट देखते हैं. अब हम कर रहे हैं इनएविटेबल अबॉर्शन. सो इनएविटेबल का मतलब होता है अनेबल टू बी अवॉइडेड, जिसे हम अवॉइड नहीं कर सकते हैं. तो इस केस में देखो क्या होगा. इट इज कैरेक्टराइज बाय ब्लीडिंग, ऑफन हैवी विद क्लोट्स और प्रोडक्ट्स ऑफ कंसेप्शन. अगर हम इसे कंपेयर करें थ्रेटेड अबॉर्शन से, तो उसमें क्या था, स्कैंटी ब्लीडिंग थी, मींस लेस अमाउंट में ब्लीडिंग थी. और इस केस में क्या है, जो ब्लीडिंग है वो प्रोफ्यूज हो गई है, हैवी ब्लीडिंग है, प्रोफ्यूज ब्लीडिंग है, और ब्लीडिंग में क्लॉट्स और प्रोडक्ट्स ऑफ कंसेप्शन भी प्रेजेंट है. और इसमें जो है आउटकम निकल के आएगा कि जो प्रेगनेंसी है उसका एंड हो गया है, क्योंकि इसमें प्रोडक्ट्स ऑफ कंसेप्शन प्रेजेंट है. जो भी प्रोडक्ट्स थे, जो भी टिश्यूज थे कंसेप्शन के, वो भी ब्लीडिंग में आ रहे हैं. ठीक है, इट मीन्स कि जो एम्ब्रियो है, फीटस है, वो एक्सपेल हो रहा है, एक्सपेल आउट हो रहा है. ओके, नेक्स्ट है द सर्विक्स इज डायलेटेड. अब मैंने आपको एक बात बताई थी, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी सर्विक्स जो है वो क्लोज रहती है. अब सर्विक्स ओपन होने लग गई है, डायलेट होने लग गई है. और डायलेट कब होती है, जब एट द टाइम ऑफ डिलीवरी, एट द टाइम ऑफ लेबर, सर्विक्स जो है वो डायलेट होती है फर्स्ट स्टेज में ही. सो सर्विक्स डायलेट होने लग गई है इन केस ऑफ इनएविटेबल अबॉर्शन. इससे ही हमें पता लग रहा है कि प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन जो है वो एक्सपेल आउट हो रहा है. और जब हम एग्जामिनेशन करेंगे तो हमें प्रोडक्ट्स ऑफ कंसेप्शन शो हो जाएंगे. कहाँ पर, वेजाइना में, या तो वेजाइना में प्रेजेंट होंगे, या फिर प्रोट्रूडिंग थ्रू द ओस, या फिर इंटरनल ओस की बात हो रही है. और इंटरनल ओस मैंने आपको बताया था, इंटरनल ओस का मतलब होता है ओपनिंग इनटू द सर्विक्स, मींस सर्विक्स में शो हो जाएंगे प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन. सर्विक्स का जो इंटरनल ओस होता है उसमें से प्रोट्रूड हो रहे हैं. नेक्स्ट है द यूट्रस में बी स्मॉलर देन एक्सपेक्टेड. अब यूट्रस जो है वो एक्सपेक्टेशन जो है हमारी है उससे स्मॉल होगा. अब ये कब होगा, जब हम फिजिकल एग्जामिनेशन की टेक्निक को फॉलो करेंगे, जो है पैल्पेशन. जब हम यूट्रस को पैल्पेट करेंगे उस टाइम पे जो यूट्रस है वो स्मॉलर देन एक्सपेक्टेड होगा. अब क्यों होगा, क्योंकि प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन जो है वो एक्सपेल आउट हो गया है. दैट्स व्हाई. आई होप क्लियर हो गया होगा. इसकी मैनेजमेंट देख लेते हैं. सो मैनेजमेंट हम देख रहे हैं. सो मेडिकल मैनेजमेंट में हम इंजेक्शन एडमिनिस्टर करा देंगे सिंटोसिन या फिर अर्गोमेट्रिन. सो सिंटोसिन जो है वो एक ऑक्सीटॉक्सिक ड्रग्स है जो कि यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस को इंक्रीज कर देता है. और इन केस अगर इनएविटेबल अबॉर्शन है तो भी हम एडमिनिस्टर करा सकते हैं, ब्लीडिंग को कंट्रोल करने में हेल्प करेगा. नेक्स्ट है एनाल्जेसिक. पेन जो है वो इंटेंस होगा प्रेग्नेंट वुमेन को, दैट्स वाई हमें एनाल्जेसिक्स प्रोवाइड कराने हैं. एनाल्जेसिक जो ड्रग्स होते हैं वो पेन को रिड्यूस कर देते हैं. ओके, नेक्स्ट देखते हैं. नेक्स्ट है इनकम्प्लीट अबॉर्शन. नेम ही साउंड कर रहा है इनकम्प्लीट, कम्प्लीटली जो है टिश्यूज जो है वो रिमूव नहीं हो पाएंगे. In this type of abortion, remnants of placenta remain within the uterine cavity. Remnants मतलब placenta के कुछ tissues, placenta के कुछ parts, कुछ segment जो है placenta का वो intact रह जाएगा uterine cavity से. Means uterine cavity से, uterine wall से attached रह जाएगा, वो remove नहीं हो पाएगा. उस case में जो है bleeding continue रहेगी. जब तक completely placenta expel out नहीं होता, at the time of delivery की मैं बात कर रही हूँ, उस time पे भी bleeding जो है वो बहुत ही profuse हो जाती है और कंटिन्यू रहती है. तो इस केस में भी यही हो रहा है, प्लेसेंटा जब तक कंप्लीटली रिमूव नहीं होगा ब्लीडिंग कंटिन्यू रहेगी. सो इनकम्प्लीट अबॉर्शन में रेमिनेंट्स ऑफ प्लेसेंटा जो है वो रिमेनिंग रह जाते हैं यूट्राइन कैविटी में, यूट्राइन वॉल से अटैच रह जाते हैं कुछ टिश्यूज प्लेसेंटा के, कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू हैवी एंड प्रोफ्यूज ब्लीडिंग, जिसकी वजह से हैवी और प्रोफ्यूज ब्लीडिंग होती रहेगी, जैसे मैंने आपको बताया है. ओके, इसकी मैनेजमेंट देख लेते हैं. सो देखिए, मैनेजमेंट में हम इंजेक्शन अर्गोमेट्रिन इंट्रामास्कुलरली प्रोवाइड कराएंगे. अर्गोमेट्रिन एक ऑक्सीटॉक्सिक ड्रग है जो कि यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस को इंक्रीज कर देता है, और दैट्स वाई हम इसे प्रोवाइड कराएंगे. इससे क्या होगा, ब्लीडिंग कंट्रोल हो जाएगी. ब्लीडिंग कैसे कंट्रोल होगी, सो देखिए, जैसे ही यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस इंक्रीज होगी तो जो भी रेमिनेंट्स होंगे प्लेसेंटा के वो एक्सपेल आउट हो जाएंगे इजिली कॉन्ट्रैक्शन इंक्रीज होने की वजह से. उससे ही क्या होगा, ब्लीडिंग जो है वो कंट्रोल हो जाएगी. दैट्स वाई हम इंजेक्शन अर्गोमेट्रिन प्रोवाइड कराएंगे. ओके, नेक्स्ट देखते हैं कंप्लीट अबॉर्शन. सो अब हम देख रहे हैं कंप्लीट अबॉर्शन. जैसे कि इसका नेम साउंड कर रहा है कंप्लीट अबॉर्शन, इसमें जो कंसेप्टस है प्लेसेंटा और मेम्ब्रेन्स है वो कंप्लीटली एक्सपेल आउट हो जाएंगे फ्रॉम द यूट्रस. पेन जो है वो स्टॉप हो जाएगा, एंड जब यूट्रस को हम पैल्पेट करेंगे उस टाइम पे यूट्रस हमें कॉन्ट्रैक्टेड मिलेगा. और इस केस में कोई भी मेडिकल इंटरवेंशन की रिक्वायरमेंट नहीं है, बट फिर भी हम एंटीबायोटिक प्रोवाइड करा देंगे कि अगर फर्दर कोई भी चांसेस नहीं हो इन्फेक्शन के, उसके लिए हम एंटीबायोटिक्स प्रोवाइड कराएंगे.
कंप्लीट एबोर्शन का एक हाई रिस्क फैक्टर है, एक डिजीज है पीसीओडी या फिर पीसीओएस बोल सकते हो। पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज या फिर पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम, इसमें क्या होता है सिस्ट फॉर्मेशन हो जाती है ओवरीज में और आजकल तो ये बहुत ही कॉमन है। नाउनेस पीसीओडी और पीसीओएस बहुत ही कॉमन डिजीजेस हैं, दोनों ही एक ही हैं पीसीओडी पीसीओएस। इसमें डी जो है वो इंडिकेट कर रहा है डिजीज और एस जो है वो इंडिकेट कर रहा है सिंड्रोम। सो इस केस में भी क्या होता है, अगर किसी भी वुमेन को पीसीओडी या पीसीओएस की प्रॉब्लम होती है तो उन्हें उनमें ज़्यादा रिस्क रहता है कि कंप्लीट अबॉर्शन उनका हो जाए, हॉर्मोनल डिस्टर्बेंसेस की वजह से ऐसा हो सकता है। नेक्स्ट है मिस्ड अबॉर्शन। तो जैसे कि इसका नेम साउंड कर रहा है मिस्ड अबॉर्शन, अबॉर्शन जो है वो मिस्ड होगा, मीन्स वुमेन की जो भी बॉडी है वो रिकॉग्नाइज नहीं कर पाएगी कि अबॉर्शन हो गया है, कोई भी वेजाइनल ब्लीडिंग इसमें शो नहीं होगी, एम्ब्रियो जो है वो डाई हो जाएगा इनसाइड द वॉम इनसाइड द सैक। सो इन दिस टाइम द एम्ब्रियो डाइज डिस्पाइट द प्रेजेंस ऑफ वायबल प्लेसेंटा एंड सैक इज रिटेंड। वायबल प्लेसेंटा का क्या मतलब है, वायबिलिटी क्या होता है कि जो प्लेसेंटा है वो अभी भी सर्वाइव कर रहा है, प्लेसेंटा जो है वो हेल्दी है एंड सैक जो है वो भी रिटेन है, सैक जो है वो भी इंटैक्ट है, बट जो एम्ब्रियो है वो डाई हो चुका है। ओके, डेथ ऑफ द एम्ब्रियो अगर बिफोर 8 weeks ऑफ गेस्टेशन, जो एम्ब्रियो की जो डेथ है वो हो जाएगी 8 weeks से पहले ही, जो गेस्टेशन पीरियड होता है जो 8 weeks का गेस्टेशन होगा उससे पहले ही एम्ब्रियो की डेथ हो जाएगी एंड द मदर्स बॉडी फेल टू रिकॉग्नाइज द डिमाइज। जैसे मैंने बताया है मदर की जो बॉडी है वो रिकॉग्नाइज नहीं कर पाएगी कि अबॉर्शन जो है वो हो गया है। अब इसमें हम देखते हैं कि डायग्नोस कैसे कर सकते हैं, कौन कौन सी इन्वेस्टिगेशन है जो हमें करानी है। सो मेन इन्वेस्टिगेशन तो है अल्ट्रासोनोग्राफी, सो अल्ट्रासोनोग्राफी हम कराएंगे। अल्ट्रासोनोग्राफी से हमें क्या शो हो जाएगा, जो यूट्रस है वो स्मॉलर देन एक्सपेक्टेड होगा। स्मॉलर देन एक्सपेक्टेड क्यों होगा, क्योंकि जो एम्ब्रियो है वो ग्रो ही नहीं हो रहा होगा, एम्ब्रियो की ग्रोथ नहीं हो रही होगी, एम्ब्रियो डाई हो चुका है, यूट्रस का साइज जो है वो इंक्रीज नहीं हो पाएगा क्योंकि एम्ब्रियो का साइज जो है वो इंक्रीज नहीं हो रहा है, ग्रो नहीं हो रहा है क्योंकि वो डाई हो गया है। दैट्स वाई यूट्रस हमें स्मॉलर देन एक्सपेक्टेड मिलेगा। और जो फीटल हर्ट मूवमेंट है, फीटल हर्ट टोन है वो भी एबसेंट होगी, फीटल हर्ट टोन एबसेंट होगी। ओके, सो मैनेजमेंट में देखिए डीएनसी का प्रोसीजर हमें करना होगा, डायलेशन एंड क्यूरेटेज। अगर डायलेशन एंड क्यूरेटेज पे वीडियो चाहते हो तो कमेंट आउट कर देना, मैं जरूर वीडियो अपलोड करूंगी। डायलेशन एंड क्यूरेटेज भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। सो डायलेशन एंड क्यूरेटेज में क्या होता है, इवैक्यूएशन के प्रोसीजर के थ्रू हम एक्सपायर आउट कर लेंगे जो भी डाइड एम्ब्रियो है उसे। सो नेक्स्ट जो एक टाइप थी वो है सेप्टिक अबॉर्शन, वो बहुत ही लेस कॉमन है, सो दैट्स व्हाई उसे एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ। सो क्लासिफिकेशन आप कंप्लीट लिखिएगा, उसके बाद आप इस तरीके से जैसे मैंने आपको करवाया है वैसे ही आप एग्जाम में एक्सप्लेन कर सकते हैं। सो आज हमने किया है स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन, इसकी जो नेक्स्ट वीडियो होगी मीन्स अबॉर्शन पार्ट टू में हम करेंगे इंड्यूस्ड अबॉर्शन। और अगर आपको आज का वीडियो ज़रा भी यूजफुल लगा हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को प्रेस कर देना न्यू नोटिफिकेशन के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।